कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयालविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपको बताएं कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अर्थात जिसको हम कहते हैं संतान सप्तमी, जो व्रत किया जाता है संतान के लिए, जिससे होती है संतान की दीर्घायु, संतान के जीवन में नहीं आती है कोई समस्या, संतान होती है प्रगतिवादी और आनंददायक। संतान सप्तमी व्रत जो किया जाता है, इस व्रत को पुत्रवती माताएं या पुत्र चाहने वाली माताएं बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ में करती हैं। भगवान शिव और शिवा का इसमें पूजन किया जाता है और उनको एक धागा चढ़ाया जाता है। बाद में माताएं उस धागे को स्वतः ही धारण कर लेती हैं, पहन लेती हैं, और इसके बाद में व्रत की कथा की जाती है। व्रत किया जाता है और कथा का श्रवण किया जाता है। तो मित्रों, आपको मैं एक कथा सुनाने जा रहा हूँ, विधान बताने जा रहा हूँ। कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि एक समय की बात है कि मथुरापुरी में एक लोमश नाम के ऋषि आए थे और उन्होंने आकर के हमारे माता पिता से मिले। माता पिता ने लोमश ऋषि का बहुत स्वागत और सम्मान किया। लोमश ऋषि ने कहा कि कंस के द्वारा तुम्हारे अनेक पुत्रों का वध हुआ है, मृत्युदंड मिला है, इसलिए उनके शोक में आप डूबे हुए हो। आप एक ऐसा व्रत करो जिससे आप उस शोक से पूर्ण हो जाओगे, आपको वह शोक से दूर हो जाओगे, आपको मुक्ति मिलेगी शोक से। कथा बताई लोमश ऋषि ने। एक नहुष नाम का राजा था और उस नहुष नाम के राजा की पत्नी का नाम था चंद्रमुखी। उसके राज्य में एक विष्णुदत्त नामक ब्राह्मण निवास किया करता था और उस विष्णुदत्त नामक ब्राह्मण की पत्नी थी, उसका नाम था, बहुत ही रूपमती थी और इसी कारण से उसका नाम रूपमती रखा गया था। इधर रानी चंद्रमुखी और ब्राह्मणी रूपमती में आपस में घनिष्ठ मित्रता हुई। एक दिन वह सरयू में स्नान करने के लिए गई दोनों, तो वहाँ पर जाकर के देखा कि बहुत सी स्त्रियाँ सरयू में स्नान करने के बाद में और वहाँ पर एक बालू की प्रतिमा बना करके उनका पूजन कर रही। रूपमती और चंद्रमुखी दोनों ने जाकर के पूछा कि आप यह कौन सा व्रत कर रही हैं और इसके करने से क्या लाभ मिलता है, आप मुझे बताइए। उन स्त्रियों ने कहा कि यह संतान को देने वाला संतानदायक भगवान का व्रत है और यह व्रत मैं इसलिए कर रही हूँ कि हमारे पुत्रों की लंबी आयु हो, हमारे पुत्र निरोग हों और मैं अपने पुत्रों के साथ सदैव आनंद के साथ में रहूं। दोनों की कोई संतान नहीं थी और दोनों ने ऐसा मन में विचार किया कि चलिए इस व्रत का विधान आप मुझे भी बताइए। तो जो स्त्रियां पूजन कर रही थी उन्होंने एक धागा दिया कि इस धागा को आप अपने गले में धारण करो और दोनों ने घर आकर के उस व्रत को भूल गई। अब जैसे ही व्रत को भूली उनकी मृत्यु हुई और मृत्यु होने के बाद एक तो बंदरिया बनी और दूसरी मुर्गी की योनि में प्राप्ति हुई। जो रानी थी यह बंदर की योनि में हुई और जो ब्राह्मणी थी यह मुर्गी की योनि में हुई। फिर इसके बाद में इन्होंने वह भी शरीर का परित्याग किया और पुनः यह एक राजा के यहाँ पर रानी बनी और वह एक ब्राह्मण के यहाँ पर ब्राह्मणी बनी। परंतु उसको ब्राह्मणी बनने के बाद में उसको ध्यान रहा और रानी इसको भूल गई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और ब्राह्मणी भी एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम था ईश्वरी देवी और ब्राह्मणी का नाम था भूषणा देवी। भूषणा का विवाह राजपुरोहित के साथ हुआ, उनका नाम था अग्निमुख।
और दोनों बड़े आनंद से रहने लगे। ब्राह्मणी के यहाँ पर 8 पुत्रों को जन्म दिया ब्राह्मणी ने। इधर रानी के कोई संतान नहीं थी, रानी ईर्ष्या करने लगी और ब्राह्मणी से ईर्ष्या करते करते एक बार तो रानी ने इतनी अधिक ईर्ष्या कर ली कि ब्राह्मणी के जो पुत्र थे उनको मारने के लिए ठान लिया। परंतु जितने भी उपाय किए उन उपायों से किसी से भी ब्राह्मणी के बालक का कुछ भी काम ऐसा नहीं हुआ कि जिससे ब्राह्मणी के बालक मृत्यु को प्राप्त हो। अब रानी सोचने लगी कि ब्राह्मणी के किसी भी बालक की मृत्यु नहीं हुई, पश्चाताप करने लगी और ब्राह्मणी से कहने लगी, आपने ऐसा कौन सा व्रत किया जिससे आपके बालकों की मृत्यु नहीं हुई। तब उसने बताया कि मैंने संतान सप्तमी का व्रत किया। रानी ने भी संतान सप्तमी का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और इसके साथ ही रानी को सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई और अंत में यह रानी अनेक प्रकार से सुखों को भोगती हुई, बालक को जन्म दिया, अनेक प्रकार के सुखों को भोगा और अंत में भगवान के धाम को गई। कथा के बाद में आरती करनी चाहिए और आरती करने के बाद में बालकों की मंगल कामना के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जो शिव और पार्वती की मूर्ति को बनाया गया है उसको विसर्जन करना चाहिए और कहीं कहीं पर पुए का भोग लगाया जाता है तो पुए का भोग लगाना चाहिए, खीर और पूड़ी का भी भोग लगाना चाहिए और उन्हीं पुए का सेवन भी करना चाहिए। तो जो इस तरह से संतान सप्तमी के व्रत को करता है उसके पुत्रों की रक्षा होती है, पुत्र दीर्घ आयु वाले होते हैं, पुत्र यशस्वी होते हैं, कीर्तिवान होते हैं, समाज में चारों ओर उनकी ध्वजा पताका फैलती है। इसी मंगल कामना के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।